आज मैं आपको फ्लैक्स सीड से बना हुआ एक बेहतरीन सूप बता रही हूँ। इसके लिए आप फ्लैक्स सीड लें और उसे मीडियम हीट पे धीरे धीरे 5 से 7 मिनट तक भून लें। जब ये आपके फ्लैक्स सीड अच्छी तरह से भून जाए और ये जब फ्लैक्स सीड हल्का चटकने लगे और ये इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, तब समझ जाए कि ये अच्छी तरह से भून गया है। अब इसे आप एक मिक्सी जार में डाल के इसके पाउडर बना लें और इस पाउडर को आप इस तरह से 2 बड़े चम्मच एक बाउल में लें और उसमें आप थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लहसुन मैंने क्रश करके लिया है, आप चाहे तो बारीक चॉप करके लें, और हरी मिर्च भी मैंने फाइनली चॉप करके इसमें लिया है। थोड़ी सी मैं इसमें अमचूर पाउडर ली हूँ, थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाला है। और अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करके मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी और उस पानी के साथ इसके अच्छा सा घोल बना लूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दो ग्लास के लगभग मैंने इसमें पानी डाला है और ये 4 लोगों के लिए बनके मैं रेडी करूंगी ये सूप। अब इसे मैं एक फ्राई पैन में डाल दूंगी और इसे बिल्कुल सिम हीट पे 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल करूंगी। ये हमारा सब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, तब मैं इसमें पत्ता गोभी, बीन्स, गाजर जो फाइनली चॉप कर के लिया था मैंने, वो इसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो कॉर्न, आप चाहे तो और भी वेजेस जो आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकती हैं। अब इसे अच्छी तरह से धीरे धीरे मिक्स करूंगी। इसकी थिकनेस देखें कुछ इस तरह से है, तो इसे गाढ़ा करने के लिए मैंने 1 चम्मच ये ओट्स का मैंने पाउडर बना के रखा था उसे मैं ले लूँगी और इसे पानी में अच्छी तरह से घोल लूँगी। उसके बाद इस सूप में मैं इसे डाल दूंगी और फिर इसे चलाते हुए 2 मिनट और पकाऊंगी। अब इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए कि ये अच्छी तरह से मिल जाए एक दूसरे में और ये सूप बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप इसे सर्व करें। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा बटर, थोड़ी सी आप इसमें नींबू का रस डालें और उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी ओरिगैनो, आप चाहे तो इस पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई हरी धनिया पत्ती डालें और इसके बाद इस सूप का मज़ा लें। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सूप है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होगी।